हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्रॉस आइडल कंडेंसेशन के बारे में समझ लिया था और उसके यील्ड के बारे में भी समझ लिया था, और उसमें बाद में मैंने अल्फा हाइड्रोजन कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी वो आइडल रिएक्शन नहीं दिया करते थे, वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, नाउ अब हम समझते बच्चों एक एक करके कि आइडल के और भी मतलब वेरिएशन होते हैं, और भी वेरिएशन होंगे तो उसको हम समझते हैं। देखो क्रॉस एल्डोल के बारे में एक और वेरिएशन हम बोल सकते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सम मॉलिक्यूल which always give cross-aldol condensation। ठीक है, cross-aldol condensation कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो आपके cross-aldol condensation देंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो एक एक करके बड़े इजीली, देखो वो आपका कुछ मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होंगे जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन, हाईली एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल आपके कौन से होंगे जिसके अंदर क्या हो बच्चों, हाईली एसिडिक हाइड्रोजन। अब जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, आई होप कि आप लोगों को मैंने बता रखा है, जैसे मेरे पास यहाँ पर CH2, ये मैंने X लिख दिया, ये मैंने Y लिख दिया। अब X और Y आपके क्या क्या हो सकते हैं, X और Y आपके NO2 हो जाए, CN हो जाए, ठीक है, COOR हो जाए, इस तरीके के अगर आपके कंपाउंड होंगे स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप, ठीक है, वो आपके क्या करेंगे, ये वाले हाइड्रोजन को, ध्यान से समझना बच्चों, ये वाले हाइड्रोजन को हाईली एसिडिक कर देंगे, ये वाले हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, हाईली एसिडिक कर देंगे, ये वाला हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, हाईली एसिडिक हाइड्रोजन। अब जब ये वाला हाइड्रोजन अगर आपका हाईली एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा तो आपका रिएक्शन कैसे होगा, समझते हैं। देखो अगर मैंने देखो यहां पर ध्यान से, अगर मैंने एल्डिहाइड की रिएक्शन, देखो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैंने CH3NO2 के साथ करा दिया, ठीक है, अब देखो बेस के प्रेजेंस में, तो बेस मैंने ये वाला ले लिया, चलो ठीक है, ओ माइनस, ठीक है, ये मेरे पास बेस है C2H5OH, ठीक है, अब देखो ये भी हमारा बेस ही है ना बच्चों, ओ माइनस, तो क्या होगा कि ये क्या करेगा, यहां से मैं हटाता हूं, देखो यहां से इस वाले एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा, जब ये वाले एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा तो यहां पर सबसे पहले क्या बन जाएगा, यहां पर अब आपका क्या बन जाएगा बच्चों, CH2- और यहां पर NO2, CH2- NO2, ठीक है, अब ये CH2- NO2 बन गया, अब ये यहां अटैक करेगा, अब ये आपका कहां अटैक करेगा बच्चों, यहां इस पॉइंट पर अटैक करेगा, ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, ये पार्शियल माइनस, ये पार्शियल प्लस, ठीक है, जैसे ही जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH2NO2, ठीक है, यहां पर ओ माइनस और यहां पर आपका एच। नाउ फर्दर अगर मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया या फिर H2O के साथ रिएक्शन कराया, किसके साथ, यहां पर CH2H5OH मीडियम लेंगे, ठीक है, अब यहां से ये H प्लस बाहर जाएगा, देखो इसने इसके साथ रिएक्ट किया तो C2H5OH निकला, वही H आपका रिपीट होगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3OH H में नीचे बनाता हूं H CH2NO2, ये भी आपका क्या है, एक टाइप का एल्डोल का ही एग्जाम्पल है, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट आपका देगा, ठीक है, अगर मैंने ऐसा प्रोडक्ट बना लिया, देखो ध्यान से समझना, यहां पर ये वाला वो बॉन्ड ऊपर जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक, अगर मैं इसको फर्दर हीट करूं यहां पर 2 में, तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH NO2, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम देखते हैं धीरे धीरे, तो आपको समझ में आने लग जाएगा अच्छे से, ठीक है, ये ज्यादा ही एसिडिक हाइड्रोजन होगा बच्चों, NO2 और आपका CNK, तो ये आपका एग्जांपल 1। अगर मैं यहां पर बात करूं एग्जांपल 2 की,
तो एग्जाम्पल टू में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो यहां पर अगर आपका एग्जाम्पल टू में अगर मैं ध्यान से समझेंगे तो यहां पर क्या होगा, सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री मैंने ले लिया और साथ में मैंने सी एच थ्री सी एल ले लिया। अब फिर से क्या होगा बच्चों, फिर से क्या होगा, फिर से आपका ये यहां पर आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा, अब ये आपका ओ एच माइनस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कर जाएगा और यहां पर क्या बना लेगा बच्चों, सी एच टू माइनस सी एन। नाउ अब ये आपका अटैक करेगा, अब ये आपका क्या कर जाएगा बच्चों, अटैक कर जाएगा, ठीक है आप ध्यान से समझेंगे, अब ये आपका अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा तो यहां पर क्या होगा, सी एच थ्री सी यहां पर पार्शियल प्लस आएगा, अब ये पार्शियल प्लस पे आपका सी एच टू लग जाएगा और यहां पर ओ माइनस और यहां पर एच और यहां पर सी एन। नाउ फर्दर अगर मैंने इसका एच टू ओ के साथ रिएक्शन कराया तो क्या हो जाएगा बच्चों, सी एच थ्री सी ओ एच एच सी एच टू सी एन। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देन फर्दर मैंने हीट करके एच टू ओ निकाल दिया तो आपको आपका क्या होगा, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एन, ये आपका बन जाएगा। या फिर मेरे पास ऐसा कंपाउंड आ जाए, या फिर मेरे पास ऐसा कंपाउंड आ जाए, ध्यान से समझना। देखो स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप शो करने वाला, एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने सी एच टू सी एन और एन ओ टू के साथ करा दिया, तो अब ये वाला हाइड्रोजन भी फिर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो ये वापस से क्या करेगा बच्चों, बेस के साथ बेस इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा, जैसे ही इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा बेस, तो यहाँ पर सी एच माइनस, यहाँ पर सी एच माइनस और यहाँ पर सी एन और यहाँ पर एन ओ टू। नाउ अब ये यहाँ रिएक्ट करेगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी ओ माइनस सी एच थ्री, यहाँ पर आपका सी एच एन ओ टू और सी एन बन जाएगा, ठीक है। नाउ फर्दर अगर मैं इसकी रिएक्शन एच टू ओ के साथ कराऊंगा तो आपका क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी यहाँ पर ओ एच यहाँ पर सी एच थ्री और यहाँ पर आपका सी एच यहाँ पर एन ओ टू और यहाँ पर आपका सी एन। नाउ फर्दर अगर मैंने इसको हीट करूँगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एन ओ टू और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी एन। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से हम हमेशा क्रॉस एल्डोल पर प्रोडक्ट, मतलब इस मॉलिक्यूल का इसके साथ ही करा सकते हैं, इसका इसके साथ तो नहीं करा सकते क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है ना, तो इस मॉलिक्यूल का इसके साथ हम रिएक्शन करा देंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो अब हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से आपका रिएक्शन होगा, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे, काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा, आई होप कि आप लोग अच्छे से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और हम समझते हैं। देखो यहाँ पर सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री कर दिया और इसकी रिएक्शन मैंने सी एच टू सी ओ ओ ई टी के साथ करा दिया, सी ओ ई टी के साथ, जैसा कि आप लोग जानते हो दिस इज एक्टिव एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है बच्चों ये, ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा, ये यहाँ जाएगा तो अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, इसको हम क्या बोलेंगे, हमेशा ध्यान से समझना, इसको हम बोलेंगे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा बच्चों, सी एच सी ओ ओ ई टी सी ओ ओ ई टी, अब क्या करेगा ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये ऊपर जाएगा तो यहां पर सी एच थ्री सी ओ माइनस सी एच थ्री सी एच सी ओ ओ ई टी सी ओ ओ ई टी, ठीक है। और देन फर्दर अगर मैंने एच टू ओ के साथ रिएक्शन कराया तो सी एच थ्री सी सी एच थ्री ओ एच सी एच सी ओ ओ ई टी सी ओ ओ ई टी, ठीक है। नाउ अब अगर मैंने यहाँ से हीट करके एच टू ओ निकाल दिया तो आपको क्या बनेगा बच्चों, सी एच थ्री सी सी एच थ्री यहाँ पर डबल बॉन्ड सी सी ओ ओ ई टी यहाँ पर सी ओ ओ ई टी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा, क्यों हो रहा है बच्चों ये, क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो आपका ज्यादा एसिडिक है, यहां पर जो हाइड्रोजन है वो आपका ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम देखते हैं बच्चों एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल ध्यान से समझते हैं।
कि एक और एग्जांपल देखेंगे तो आपको आई होप कि और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं हम बच्चों एग्जांपल एक और। देखो एक और एग्जांपल बहुत ही अच्छा सिंपल एग्जांपल है, जिसे मैंने सी एच थ्री सी ओ एच कर दिया, अब यहाँ पर सी एच टू सी ओ एच कर दिया, यहाँ पर सी ओ सी एच टू एच, ठीक है, दो ग्रुप लगे हुए। अब ये तो आपका ज्यादा एसिडिक होगा यह वाला हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे ही ये वाला हाइड्रोजन अगर आपका ज्यादा एसिडिक हो गया तो ये यहाँ चला जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका सी एच माइनस सी ओ एच सी ओ एच, अब ये आपका यहां टेक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच ओ माइनस, ठीक है। नाउ अब आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर सी एच सी ओ एच सी ओ एच। नाउ अब अगर मैंने एच टू ओ के साथ रिएक्शन करा दिया तो सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच सी एच ओ सी एच ओ, ये भी आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। अब देखो यहां से अब अगर मैंने हीट दे के एच टू ओ का रिमूवल कर दिया तो आपका क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी, और यहां पर सी एच ओ और यहां पर सी एच ओ। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस कंडीशन में हमको हमेशा क्रॉस एल्डोल ही प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, हमको कोई और प्रोडक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, ड्यू टू द हाईली एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अदर ग्रुप, ठीक है, तो यहां से भी हम क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं बच्चों, ये इसका रीजन है। देखो इसमें अब हाईली एसिडिक हाइड्रोजन किसके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों, एक्स वाई सी एच, ये वाला हाइड्रोजन आपका ज्यादा एसिडिक होगा, और एक्स वाई आपका क्या क्या होना चाहिए ये मैंने अभी अभी लिखा था एनओ टू सी एन सी ओ एच, ये भी हो सकता है सी ओ ओ आर, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको रिएक्शन को प्रोग्रेस करना है, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। अब इसमें एक और आता है बच्चों इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखते हैं बच्चों इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो ध्यान से धीरे धीरे देखेंगे, तो देखते हैं एक एक करके। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अब क्या होगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो यहां पर ये मैंने इस तरीके से बना दिया, ये एच ये हो, अगर मैंने इसकी रिएक्शन बेस के साथ करा दिया तो आपका क्या होगा, सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा। तो इसमें आपके पास दो चॉइस है। फर्स्ट चॉइस में आपको बनाता हूं कि ये देखो इन दोनों में से किस पर अटैक होगा, उसको आपको ध्यान से समझना है। देखो एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, और यह आपका कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहां होना चाहिए, एल्डिहाइड पे होना चाहिए, तो एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। अब कौन सा देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अगर ये वाला कार्बन अगर अटैक करेगा तो आपका कितना 6 मेंबर की रिंग बनेगी, और ये वाला कार्बन अगर आपका अटैक करेगा तो आपका कितना बनेगा 4 मेंबर का रिंग बनेगा, ठीक है, कितने मेंबर का रिंग बनेगा 4 मेंबर का। तो कौन सा वाला अटैक करना चाहिए या आपको खुद से जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो देखो आपको मैक्सिमम आपको 5 और 6 मेंबर रिंग बनानी है, हमेशा क्या बनानी है 5 और 6 मेंबर रिंग बनानी है, ठीक है। आप देखो यहां से जाएंगे तो 6 मेंबर रिंग, तो हम क्या करेंगे यहां से जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको बेस क्या कर लेगा बच्चों, ट्रैप कर लेगा। सबसे पहले बेस अगर इसको ट्रैप कर लेगा तो आपका क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर इस तरीके से ओ माइनस, और यहां पर इस तरीके से आपका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर इनोलेट आयन बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे,
ये वाला आपका यहां अटैक करेगा और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। जब ये वाला आपका यहां अटैक करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना, यहां पर आपका 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बना दिया, ठीक है। सिक्स सिक्स पोजीशन पे ये आ जाएगा और सेकंड पोजीशन मतलब ये मैंने 1 2 3 4 5 6, तो सेकंड पोजीशन पे ये आ गया, ठीक है। ओ माइनस सेकंड पोजीशन पे क्या जाएगा, देखो सिक्स पोजीशन पे ओ माइनस और सेकंड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड ओ आ गया, ठीक है। ये आपका बन चुका है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। देन फर्दर अगर रिएक्शन मैंने H2O के साथ करा, H2O कौन सा, जो यहां से जो H निकला वही H आपका वापिस आ जाए। जैसे ही H2O के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका OH हो जाएगा। नाउ फर्दर अगर मैं इसको हीट करूंगा H2O निकालूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हमको किस तरीके से करना है। इंट्रा मोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही मुझे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को प्रोसीड करना है। काफी इजी रिएक्शन है, अगर आप एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। लेट सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, एक और एग्जांपल हम इसका लेते हैं। देखो ध्यान से समझना, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ही है, एग्जांपल इसका सबसे पहले मुझे O3ZnH2O के साथ रिएक्शन कराना है, देन आफ्टर मुझे डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कराना है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। ये आपको निकालना है, काफी इजी रिएक्शन है, ध्यान से समझना, काफी इजी रिएक्शन है। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो O3ZnH2O के प्रेजेंस में आपका क्या होगा बच्चों, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, O3ZnH2O के प्रेजेंस में यहां पर आपका क्या जाएगा, डबल बॉन्ड हो, यहां पर भी आपका क्या जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड हो। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगले स्टेप में बेस आपका एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, यहां से ट्रैप करे, यहां से ट्रैप करे, यहां से ट्रैप करे, यहां से ट्रैप करे, सारे कंडीशन में आपका सिमेट्रिकल है, तो मैं यहां से ट्रैप करा देता हूं, यहां से इस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लिया, तो अब आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर इनोलेट आयन बन जाएगा, यहां पर अब आपका क्या बन जाएगा, इनोलेट आयन बनेगा। अब क्या होगा देखो, यहां पर माइनस चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड हो, यहां पर डबल बॉन्ड हो। अब ये वाला आपका किसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला आपका इस पर अटैक करेगा, जैसे ही ये वाला आपका इस पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा बच्चों, खुल जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा बच्चों, खुल जाएगा। जैसे ही ये वाला बॉन्ड अगर आपका खुलेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, देखो यहां पर इस तरीके से, यहां पर ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, देखो इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर 7 मेंबर की रिंग आपकी बनेगी, 7 मेंबर की रिंग बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 मेंबर की रिंग बना लिया। अब ये इसके साथ अटैच है और यहां पर 1 2 3 मतलब 5 मेंबर की रिंग यहां बन जाएगी, ये आपके 5 मेंबर की रिंग बन गई। अब यहां पर आपका OH है और यहां पर आपका क्या है बच्चों, यहां पर आपका डबल बॉन्ड O है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आपका यहां से क्या होगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। अब डबल बॉन्ड कहाँ क्रिएट होगा, जैसे ही मैं हीट करूंगा H2O निकलेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से यहां पर इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैंने अभी वैसे आपको बोला था कि 5 और 6 मेंबर रिंग बनानी है, कितने, 5 और 6 मेंबर रिंग बनानी है, लेकिन जब आपके 7 मेंबर रिंग बनेगी तो भी आप रिएक्शन को इसी तरीके से करोगे, इसी तरीके से आपको इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शन को प्रोग्रेस कराना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मुझे इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन को सोल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल, अब हम एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने बात कर लिया यहां पर इस तरीके का ओ 1 2 3, ठीक है, ये मैंने बात कर लिया यहां पर CH3। अब देखो अगर मैंने इसकी रिएक्शन NaOH के साथ हीट कराना है, ठीक है, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, काफी इजी है,
सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करना। तो यहां से ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा। देखो काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं यहां से निकालता यहां डालता तो 4 मेंबर की रिंग, यहां से निकालता यहां डालता तो तब भी आपके 6 मेंबर की, दोनों सिमेट्रिकल है ना, तो दोनों 6 मेंबर की रिंग। तो यहां से करूं या यहां से करूं, बात एक ही है। तो यहां से अगर मैंने OH माइनस को बाहर निकाला, जैसे ही मैंने OH माइनस को बाहर निकाला तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, OH माइनस से मैंने एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाला तो यहां पर आपका ये बन जाएगा CH2 माइनस। अब ये CH2 माइनस कहां अटैक करेगा, इस पॉइंट पर। तो CH2 माइनस इस पॉइंट पर अटैक करेगा तो यहां पर O माइनस, यहां पर इसको मैं रिंग के फॉर्मेशन में लिखता हूं बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए रिंग बनाना भी। तो देखो 1 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बनानी है तो 6 मेंबर की रिंग बना दी। ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा तो 6 नंबर पे ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा और यहां एक ग्रुप आएगा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अप टू 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 2 होगा, 2 पर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब नाउ क्या होगा अगले स्टेप में बच्चों, H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगा तो यहां पर OH जाएगा, ये इधर ये इधर ये इधर, और इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका डिहाइड्रेशन कराना है। डिहाइड्रेशन कराएंगे तो कैसे होगा बच्चों, हीट करेंगे तो H2O के साथ H2O आपका मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। यहां पर आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। आई होप सो कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया है कि इंट्रा मोलिकुलर भी रिएक्शन होती है, इंट्रा मोलिकुलर। क्योंकि ध्यान रखना लास्ट ईयर जेई में इंट्रा मोलिकुलर आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। लास्ट ईयर जेई में पैसेज पे एल्डोल कंडेंसेशन का जो जेई का क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम पैसेज बेस्ड होता है, एडवांस में 100% आता है बच्चों। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं बच्चों इसमें एक और वेरिएशन, इसमें एक और यह होता है बच्चों, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखो बच्चों ये मेरे पास रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का मैं आपको बताता हूं, रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सारे आपको ध्यान रखने बच्चों, फिर मैं लास्ट में आपको एक स्पेशल क्वेश्चन भी कराऊंगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर CH3, यहां पर ये, यहां पर सी डबल बॉन्ड O, यहां पर आपका CH डबल बॉन्ड O और ये आपका H, ये मैंने बना दिया, नहीं यहां पर CH3, ठीक है। अब देखो रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन, अब देखो ये आपका प्रोडक्ट बना है, अब देखो ये इधर, ठीक है। अब यहां पर आपका ये किससे बना होगा, CH3CO CH3, यहां से यहां जाएंगे तो NaOH के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर मैं एल्डोल के प्रोडक्ट से, एल्डोल से अगर मैं इसको बनाना चाहूंगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट से मुझे फिर से क्या बनाना है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो अगर मैं एल्डोल कंडेंसेशन का जो रिवर्स फिनोमिना होगा, मतलब अपोजिट प्रोसेस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इज कॉल्ड रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन हम इसको बोलते हैं, अपोजिट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन को, ठीक है। तो यहां पर भी आपका बेसिक मीडियम में होगा, लेकिन अब ये होगा कैसे इसको अब हम समझते हैं। तो देखो ये आपका कैसे होगा, ध्यान से देखो, यहां पर मैंने CH3, ये मेरे पास CCH3, यहां पर डबल बॉन्ड CHCOCH3। नाउ अब मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी बच्चों, बेस के साथ। मैंने बोला था ना रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में होता है, जैसे ही मैंने बेस के साथ रिएक्शन कराया तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला यहां खुलेगा, बेस आपका H2O के साथ। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, CH3CCH3, यहां पर आपका OH आ जाएगा, यहां पर आपका CH, यहां पर आया होगा माइनस, ठीक है। अब माइनस के पास क्या जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल से आपका H जाएगा,
माइनस के पास क्या जाएगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल से एच जाएगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल से। देखो यहां पर एच टू निकला था ना, वाटर मॉलिक्यूल से आपका एच जाएगा, एच जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, सी एच थ्री सी सी एच थ्री ओ एच और यहां पर सी एच टू, ठीक है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सी एच टू और यहां पर सी ओ सी एच थ्री। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, अब ये वाला लोन पेयर यहां जाएगा, ये आपका बाहर निकलेगा, जैसे ही ये आपका बाहर निकलेगा तो यहां पर माइनस होगा, यहां पर माइनस होगा, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर यहां पर एच चिपका के, एच को चिपका के यहां पर हम निकाल सकते हैं। जैसे ही मैंने यहां से एच निकाला और ये आपका लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर गया, और जैसे ही आपका लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर गया तो यहां पर सी डबल बॉन्ड हो और ये वाला जो एच है वो इसके पास चला जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री। देखो बच्चों हमने वो वही प्रोडक्ट लिया है। तो मतलब अगर मैं बोलूंगा कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इज कॉल्ड व्हाट, रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं एक दो और एग्जांपल बच्चों, तो अब हम देखते हैं एक दो और एग्जांपल, कौन कौन से एग्जांपल के थ्रू हम इस रिएक्शन को और सॉल्व करेंगे। देखो रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने अगर बात किया कि यहां पर इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से मैंने अगर बात किया कि इसमें कैसे सोल्व करेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझना कि कैसे करेंगे इस रिएक्शन को सोल्व। तो यहां पर अगर मैंने देखो OH माइनस के साथ रिएक्शन करा दिया तो यहां पर OH माइनस यहां चिपकेगा, ठीक है, इसका एल्डोल, इसका जो वो कार्बोनिल कंपाउंड वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा उसको एनालिसिस करते। तो मैंने OH को वहां चिपका दिया, देखो OH को वहां चिपका दिया। अभी मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बच्चों आपको, घबराना नहीं। H2O के साथ रिएक्शन यहां पर H2O के प्रेजेंस में है, तो जैसे ही H2O के साथ आपका रिएक्शन होगा तो यहां पर H आ जाएगा, यहां पर OH, अब ये इस तरीके से, अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका ओपन होगा, ये वाला बॉन्ड अगर आपका ओपन हो गया तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो ये H यहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड ओपन होगा और ये वाला H किसके पास जाएगा बच्चों, ये वाला जब बॉन्ड ओपन होगा तो यहां माइनस आएगा, अब माइनस आएगा तो ये वाला आपका इसके पास चला जाएगा, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर इस तरीके से एक, यहां पर आपका CH3, इस तरीके से आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया। और आप लोग देखोगे ध्यान से तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा कि यहां पर ये आपका एल्डिहाइड है और यहां पर ये आपका कीटोन है, मतलब इसने अटैक किया होगा इस पर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों, ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ अब हम चलते हैं कि इसका मेन क्वेश्चन कि क्या होगा, ठीक है, हाउ हाउ मतलब बोलता हूं बच्चों में इसका क्वेश्चन, ध्यान से समझना, इनोलेट आयन कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, हाउ मतलब कैसे करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा लेकिन कैसे करेगा, थोड़ा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत कंफ्यूजन था, मैंने आपको CH2- से अटैक करवा दिया था लेकिन ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। देखो एल्डोल कंडेंसेशन में, इन एल्डोल कंडेंसेशन ये मैंने लिख दिया, चलो ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन, अब इनोलेट आयन किस तरीके से अटैक करेगा बच्चों, कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, किस तरीके से आपका अटैक करेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप में CH3COH बनता था और आपका बेस आपका इस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करके यहां पर CH2- COH बनाता था, अब ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा तो यहां पर रेजोनेंस होगा, तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CO- और यहां पर H, ये हो जाएगा। अब बात को ध्यान से समझना कि ये आपका अटैक ये करता था कि ये करता था, कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे कैसे करेंगे बच्चों, देखो यहां पर अगला जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, अब क्या होगा COH, दूसरा वाला एल्डोल से पहले वाला एल्डोल कराना, अब ये क्या होगा इनोलेट आयन जब ये यहां जाएगा तो ये वाला बॉन्ड अपने आप खुल के यहां जाएगा,
इस तरीके से इनोलेट आयन आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इस तरीके से आपका न्यूक्लियोफाइल आप इस तरीके से आपका इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये वाला तो मैंने आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके से बताया था, लेकिन यहां से इस तरीके से रिएक्ट करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनोलेट आयन आपका किस तरीके से बिहेव करता है। आप लोगों का क्वेश्चन होगा ये कि ये सर ये आपका इनोलेट आयन है, ये थोड़ी ना है, ये नहीं है, तो आप इससे क्यों रिएक्शन करा रहे हो, इससे क्यों नहीं करा रहे, तो इससे भी कराएंगे तो वही आपका फिनोमिना होगा, ये नीचे जाएगा और ये यहां से अटैक कर जाएगा। तो दोनों में प्रोसेस आपका सिमिलर होगा, ठीक है, दोनों में आपका प्रोसेस सिमिलर होगा। तो अटैक कौन करेगा, इनोलेट आयन। मैंने बार बार बोला था इनोलेट आयन ही अटैक करता है, इनोलेट आयन ही अटैक करता है, लेकिन मैं इसके थ्रू रिएक्शन करा दिया करता था। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको रिएक्शन को प्रोग्रेस कराना है, ठीक है। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं। एल्डोल कंडेंसेशन आपका दो टाइप का होता है बच्चों, कितने टाइप का, दो टाइप का, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन आपका कितने टाइप का होगा बच्चों, दो टाइप का, कौन कौन सा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपका दो टाइप का होगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपका दो टाइप का होगा बच्चों, कौन कौन सा, एक होगा बच्चों आपका एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड, और एक होगा बच्चों बेस कैटलाइज्ड, जिसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है, बेस कैटलाइज्ड, ठीक है, दो टाइप का आपका होगा एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे देखते हैं कि दोनों टाइप में क्या वेरिएशन है, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं कि यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन आपका दो दो टाइप का होता है, एक होता है एसिड कैटलाइज्ड, एक होता है आपका बेस कैटलाइज्ड, काफी अच्छा है। अगर मैंने एसिड कैटलाइज्ड पाथवे की बात करता हूं, मैं कौन से पाथवे की बच्चों, एसिड कैटलाइज्ड पाथवे। अब देखो इन दोनों में वेरिएशन आपको कब देखने को मिलेगा, मैं आपको बताता हूं बच्चों। एसिड कैटलाइज्ड पाथवे, देखो एसिड कैटलाइज्ड पाथवे में आपका क्या होगा, देखो यहां पर CH3COH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने CH3CH2COCH3 इसके साथ रिएक्शन कराया, या फिर मैंने इसी की रिएक्शन कराता हूं बच्चों। देखो यहां पर मैं सिंपल लेता हूं बच्चों ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, CH2COCH3 ये मैंने लिया। अब एसिड कैटलाइज्ड पाथवे में क्या होगा कि एसिड आपका रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ, एसिड आपका रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ बच्चों, इसके साथ, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3CH2C, यहां पर आपका OH+, यहां पर आपका इस तरीके से बन जाएगा। नाउ अब क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट से आपका H निकल जाएगा, H रिमूवल होगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर जैसे ही इस पॉइंट से आपका H रिमूवल होगा, देखो H रिमूवल मैं करता हूं, देखो H रिमूवल होगा, ये नीचे जाएगा, ये वाला आपका यहां खुलेगा, ठीक है, ये वाला आपका यहां खुलेगा और ये वाला आपका प्रोटोन का ट्रांसफर यहां हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल ये वाला प्रोसेस आपका क्या है, टोटोमेराइज्म, टोटोमेराइज्म, ठीक है, यहां पर टोटोमेराइज्म होगा। फिर से समझते बच्चों इस प्रोसेस को, ये वाला एच यहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां खुलेगा, एच बाहर निकलेगा, ये वाला एच यहां ट्रांसफर होगा और ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा। तो सबसे पहले एक एक करके समझते ध्यान से, देखो ये वाला एच निकला, ये वाला एच निकला तो यहां पर ये आ गया, ठीक है। नाउ ये वाला बॉन्ड अगर आपका यहां गया, ये वाला बॉन्ड अगर आपका यहां गया तो यहां पर आपका क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, ठीक है। यहां पर ये वाला बॉन्ड अगर आपका यहां गया तो यहां पर क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड आ चुका है और ये वाला एच निकल चुका है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड यहां आ गया, नाउ अब आपका क्या हो जाएगा, यहां पर CH3। अब क्या होगा बच्चों कि यहां पर जो, यहां से जो एच है, यहां पर आपका क्या था, यहां पर आपका OH, ठीक है, यहां पर आपका OH, ठीक है बच्चों। तो ये वाला बॉन्ड यहां गया और ये वाला बॉन्ड यहां खुला तो यहां पर OH आ गया। अब देखो ये वाला एनोल फ्रेगमेंट में आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। फिर से समझो, देखो टोटोमेराइज कराओ, ये वाला एच बाहर निकल गया, ये वाला बॉन्ड यहां खुल गया, तो यहां पर सिंपली आपका क्या हुआ, टोटोमेराइज हुआ है, ठीक है। अब टोटोमेराइज हुआ है तो यहां पर क्या होगा बच्चों कि अगले प्रोसेस में, अगले प्रोसेस में आपका कौन अटैक करेगा, अगले प्रोसेस में आपका यहां से ये वाला पॉइंट अटैक कर जाएगा, अगले प्रोसेस में आपसे ये वाला पॉइंट अटैक करेगा। देखो अब मैंने आपको बताया था ना अभी इनोलेट आयन किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह आपका बिहेव करेगा,
तो इसका मैं अगर इनोलेट आयन बना लूं, H प्लस बाहर निकाल लिया, देखो H प्लस मैंने बाहर निकाल लिया, देखो यहां पर H प्लस लगाया था और यहां से मैंने H प्लस को बाहर निकाला, जैसे ही मैंने H प्लस को बाहर निकाला तो ये क्या हो गया, यहां से H आया था, कैटलिस्ट आया था, कैटलिस्ट H प्लस आया, इंटरमीडिएट में पार्टिसिपेट किया और वैसे ही बाहर निकल गया, इसका मतलब एसिड कैटलाइज्ड। लेकिन अगर कैटलिस्ट आता इंटरमीडिएट में बिहेव करता और लास्ट में प्रोडक्ट में भी आता तो उसको कैटलाइज्ड नहीं बोलते, तो उसको प्रमोटेड बोलते, एसिड प्रमोटेड। ठीक है, ध्यान से समझेंगे कि कैटलाइज्ड और प्रमोटेड में रात दिन का अंतर है। अगर एसिड आया और एसिड निकल गया तो ये कैटलाइज्ड, अगर एसिड आया और कुछ नहीं निकला तो वो एसिड प्रमोटेड होता है। मैंने आपको बताया था एसिड प्रमोटेड और बेस प्रमोटेड रिएक्शन, कहां बताया था बच्चों, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, वो आपका बेस प्रमोटेड होता है, एसिड कैटलाइज्ड होता है, ध्यान से समझ लेना बच्चों, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो। अब देखो यहां पर इनोलेट आयन बन चुका है, अब ये इनोलेट आयन आपका किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, देखो अब ये इनोलेट आयन आपका यहां अटैक कर जाएगा, मैं वहीं से अटैक करा देता हूं बच्चों, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा और ये आपका कहां अटैक करेगा, इस पॉइंट पर, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH2 CO माइनस, यहां पर CH3, अब ये वाला आपका कार्बन आपका अटैक करेगा तो CH3, ठीक है, और यहां पर आपका CH और यहां पर आपका C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब इसका मैंने H2O के साथ रिएक्शन करा दिया तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, CH3 CH2 COH CH3 CH CH3 CO CH3। आई होप सो कि आपको आप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने रिएक्शन कराया, ये आपका क्या बन गया, एल्डोल बन गया। ठीक है, इसको यहीं पर अभी हमें रखते हैं, अभी हम बेस कट रहे, इसका प्रोडक्ट और उसके प्रोडक्ट में हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। देखो अब क्या होगा बेस कैटलाइज पाथवे में, अब मैं आपको समझाता हूँ, बेस कैटलाइज पाथवे काफी अच्छा है, ध्यान से समझेंगे तो आपको आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बेस कैटलाइज्ड पाथवे। ठीक है, बेस कैटलाइज्ड पाथवे, ठीक है बच्चों, तो ये आपका बेस कैटलाइज्ड पाथवे। अब देखो इसमें यहां पर ही सेम मॉलिक्यूल लेता हूं तो तभी आपको डिफरेंस पता पड़ेगा। अब देखो कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा आपका ज्यादा एसिडिक है उसका पता लगाओ, यहां पर आपका ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा, आई होप कि आपको जीजीओसी याद होगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ओएच माइनस ये यहां अटैक करेगा तो यहां पर CH3 CH2 CO CH2 माइनस। अब देखो मुझे इनोलेट बनाने की जरूरत नहीं है, वो इनोलेट बना के मैं फिर से वैसे ही अटैक कराऊंगा, तो आई होप कि मैं अटैक ना कराऊं, आप लोग समझ जाओगे, आई होप कि आप लोग समझ जाओगे। अब देखो यहां पर मैंने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, देखो इसको मैं यहां कर दूंगा, इसको यहां कर दूंगा, फिर घुमा के मैं अटैक कराऊंगा तो इसका ही मैं सीधा अटैक करा देता हूँ। मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन कराया ना इनोलेट आपका किस तरीके से अटैक करता है, वो मैंने आपको क्वेश्चन कराया। आप देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका देखो CH3, यहां पर CH3 CH2 को मैं एक साथ लिख देता हूँ, C2H5 C डबल बॉन्ड O CH2। ठीक है, अब इसने यहां अटैक किया तो CO माइनस C2H5 CH3। ठीक है, अब इसका मैंने अगर H2O के साथ रिएक्शन कराया, H2O के साथ रिएक्शन कराया तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो C2H5 CO CH2 COH C2H5 CH3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या दोनों प्रोडक्ट में आपका डिफरेंस है, देखो यहां पर 2 3 4 5 6 6 मेंबर की कार्बन चेन बनी, 6 मेंबर की कार्बन चेन है अभी बेटा आपके पास, किसमें, बेस कैटलाइज्ड, और एसिड कैटलाइज्ड में 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर की बनी। लेकिन अगर मैं इनका IUPAC नोमेनक्लेचर करना चाहूं तो यहां पर 6 मेंबर की और यहां पर आपके देखो ये आपका कितना, 1 2 3 4, ठीक है, और यहां पर आपका 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर की चेन बनी। ठीक है, और यहां पर आपके कितने मेंबर की चेन बनी, यहां पर भी आप यहां पर आपके 6 मेंबर की चेन बनी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना एसिड कैटलाइज्ड पाथवे और बेस कैटलाइज्ड पाथवे में अंतर आता है जब जब हम कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल लेंगे,
इसीलिए मैंने सेम मॉलिक्यूल लिया। तो एसिड कैटलाइज पाथवे और बेस कैटलाइज पाथवे दोनों शो करता है। देखो बेस कैटलाइज पाथवे में देखो H2O ने H प्लस OH माइनस ने H को लिया, यहां से निकला। अब नेक्स्ट स्टेप में जब यहां से H2O अपना H प्लस देगा तो यहां पर रिमेनिंग क्या बचेगा? OH माइनस। तो इसका मतलब OH माइनस जिस तरीके से आया, जिस तरीके से OH माइनस ने H को लिया, उसी तरीके से लास्ट में आपका OH माइनस बाहर निकल गया। जब आपका OH माइनस बाहर निकल गया तो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? विच कैन पार्टिसिपेट इन इंटरमीडिएट बट डज नॉट अफेक्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में नहीं होगा, वो आपका कैटलिस्ट होता है। तो इस तरीके से बेस कैटलिस्ट पाथवे और एसिड कैटलिस्ट पाथवे को भी आपका क्या करता है बच्चों? फॉलो करता है। आई होप कि आपको अब कंप्लीट एल्डोल कंडेंसेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या होता है, एल्डोल प्रोडक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए। आई होप कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।